नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सियासी रण में सियासी तलवारें भी खिंचती हैं और सियासी ढालें भी हुआ करती हैं, बसरते सियासत के रण में यह दृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस बार पायलट कैंप के लिए वसुंधरा राजे ढाल बनी, कैसे उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी गलियारे में ये चर्चा आम हो चली थी कि आखिर अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित उनके शागिर्द दो पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का आखिर क्या होगा, क्या सचमुच तीनों नेताओं को अपना आशियाना खाली करना पड़ेगा। इन्हीं सवालों को लेकर पिछले 72 घंटों से राजधानी की सियासी आबोहवा तल्ख हो रही थी, लेकिन अब लगभग लगभग इन अटकलों पर पूर्ण रूप से विराम लग चुका है। अब खबर है कि पायलट सहित विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का सरकारी आसियाना यथावत रहेगा और इसके पीछे की बड़ी वजह बनी है सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्योंकि एक और राजे का आसियाना महफूज रखने के लिए गहलोत सरकार कोर्ट तक में शपथ पत्र दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर पायलट सहित विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का बगला खाली करवा लिया जाता तो जाहिर तौर पर बवाल सड़कों पर मचना तय था और गहलोत सरकार का किस्म किस्म के सवालों से घिर जाना भी लाजमी था। खैर, वक्त की नजाकत को समझते हुए अब पूरे मामले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पुराने नियम के मुताबिक मंत्री पद से हटने के बाद सिर्फ 2 महीने तक ही बंगले पर रह सकते हैं, अन्यथा यदि बंगला खाली नहीं किया तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होगा। बता दें कि यह मियाद 14 सितंबर यानी कल पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अब इन नेताओं को बगला नहीं खाली करना होगा। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से एक संशोधन विधानसभा सदस्यों को निवास सुविधा के संबंध में किया गया है। इसके आधार पर अब पायलट विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का बंगला मंत्री पद हटने के बाद भी यथावत रहेगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को आवंटित बंगला नंबर 13 को खाली कराने के संबंध में जो शपथ पत्र राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश किया गया है, उसमें जो कैटेगरी बताई गई है उस आधार पर भी तीनों में से किसी का बंगला खाली नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि पायलट केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहले सांसद भी रहे हैं और दूसरी बार मंत्री रहे हैं, वहीं रमेश मीणा भी 3 बार विधायक और मंत्री रहे हैं। कुल मिलाकर तीनों ही नेता बंगला यथावत रखने की पूर्ण पात्रता रखते हैं, लिहाजा अगर फिर भी बंगला खाली कराने की कोई बात सामने आती है तो ये तय मानकर चलिए कि एक बार फिर गहलोत और पायलट गुट आमने सामने हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे जो बंगला पॉलिटिक्स इन दिनों राजस्थान की सियासत में चल रही थी वह थम गई है। इसके पीछे का कारण यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का बंगला यथावत रहेगा। सरकार के विश्वस्त सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि तीनों ही नेता अपने ही बंगले पर रहेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि गहलोत सरकार जो सूबे की है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आसियाने को महफूज रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लिहाजा ऐसे वक्त में यदि पायलट कैंप के नेताओं के बंगले छिनते हैं तो जाहिर तौर पर बवाल खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।